300-350 साल रोते रहे अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में, और फिर वो एक दिन आया जो अल्लाह ने कलमा उनको इल्का फरमाया। जो बादशाह के वो रात में ख्वाब आ गया, वो सुबह कानून बन गया। अच्छा भाई साहब, पार्लियामेंट में पास कराने की जरूरत थी कुछ, सही बात है, कानून वो कानून। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पा रहा था। अब हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज भी हम जो वीडियो बनाने वाले, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ही वीडियो है। वीडियो का नाम है 50 लाख साल पुराना धर्म कौन सा है। भाई साहब, 50 लाख साल धर्म मतलब 50 लाख साल कितना सारा हो गया यार, और उससे कितना पुराना कौन सा धर्म है ये तो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। इनके वीडियोस पे अक्सर हम रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है इनकी बातों में और ये सब चीज़ें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। इसी तरह मेरे अजीज़ो, बुनियाद इस्लाम की वही है जो आदम अलैहि सलाम लेकर के आए थे। अच्छा, लेकिन अच्छा, हर जमाने में इंसानों की जरूरत के इत्तेबार से उनके लॉ चेंज होते रहे। आदम अलैहि सलाम की शरीयत में कुछ मसले अलग थे, नूह अलैहि सलाम की शरीयत में कुछ मसले अलग थे, लेकिन किसी भी नबी की शरीयत में ये नहीं था कि तुम गाय की पूजा कर सकते हो, तुम बंदर की पूजा कर सकते हो। फिर किसी नबी के इसमें आ गया हो कि नहीं ये फलां की पूजा कर सकते हो, नहीं। आदम अलैहि सलाम से लेकर मेरे नबी तक इबादत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, एक खुदा की इबादत होती रही, इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो अब मैं तारीख इस्लाम जो बता रहा हूँ तो फ़ख्र से कहो मेरा दीन वही है जो दुनिया की शुरू से लेकर आज तक मौजूद है। जिस दिन आदम अलैहि सलाम रुए ज़मीन पर आए उसी दिन इस्लाम भी साथ में आया है, इस्लाम उसी दिन साथ में आया। अब यहाँ पर बातें आती हैं कि वो धर्म बहुत पुराना है, ये धर्म बहुत पुराना है, उनको तो ये तक पता ही नहीं है। कभी कहते हैं 50 लाख साल पुराना है, कभी कहते हैं कोई 40 लाख साल पुराना है, ये अटकल पच्चू है। दुनिया 1 लाख साल पुरानी है या नहीं ये साबित नहीं कर पाएंगे। दुनिया को कायम हुए यानी आदम अलैहि सलाम को इस रुए ज़मीन पर आए हुए और अब तक कितना साल गुज़रा ये अब तक ये बता ना सकेंगे कि 1 लाख साल गुजरे हैं कि 2 लाख, लेकिन अटकल पच्चू मारे जाते हैं कि हमारा जो मानने वाला अकीदा है ये 50 लाख पुराना है। 50 लाख बोलो, ख्याली तो है पूरा धर्म, तो 50 लाख बोलो, 50 करोड़ बोलो, सब चलेगा, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि कहानी है, जितना भी बोल लो चलेगा। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, तो फिर आपको हम तारीख के हिसाब से बताएंगे। मेरा दीन उस दिन से है जिस दिन आदम अलैहि सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाए। अब उनके मुतालिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन इस्लाम ही बोलता है, ईसाइयों की किताबों में भी आदम अलैहि सलाम का जिक्र है, यहूदियों की किताबों में भी आदम अलैहि सलाम का जिक्र है। ये दुनिया के बड़े बड़े जो मज़ाहिब माने जाते हैं, दीन माने जाते हैं, उन सब में भी आदम अलैहि सलाम का जिक्र मौजूद है, इसका इनकार नहीं कर सकते। आज दुनिया में जितने रिलीजियंस पाए जाते हैं, ये मेरी स्पेशल स्टडी रही है पहले, ये और बात है कि तकरीबन अब किताबों से पढ़ने से ताल्लुक़ ख़त्म होकर के भी 10-12 साल गुजर गए, लेकिन हमारी स्पेशल स्टडी इसी पर होती थी, तकाबुल अदियान। दुनिया के जो बड़े बड़े दीन हैं उनकी खुसूसियत क्या है, उनके अंदर मौजूद क्या क्या है। इस तरह से अगर मैं फ़र्क करके बताऊं तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में, अगर पूरी दुनिया में 100 दीन पाए जा रहे हैं, 100 दीन अगर पाए जा रहे हैं तो उसमें से दीन है भाई साहब 85 से 90 दीन सिर्फ हिंदुस्तान में है, बाकी पूरी दुनिया में, यानी परसेंटेज के एतबार से सबसे ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले ये सिर्फ बर्रे सगीर में पाए जाते हैं, बाकी पूरी दुनिया एक तरह है, अलग है। पूरे चाइना का पहले से जो दीन रहा था, कन्फ्यूशियस वहाँ पर एक बहुत पुराना दीन, ईसा अली सलाम से 700 साल पहले, फिर बुद्धिज़्म ये भी हज़रत ईसा अली सलाम से तकरीबन 700-800 साल पहले से,
और उसके बाद अफ्रीका के काले लोगों में बुत परस्ती थी, वसनिया उसको कहते हैं, उनके भी अलग अलग नाम हैं, उनके यहाँ एक अलग दीन पाया जाता था। और फिर उसके अलावा ईसाइयों का एक अपना दीन है, मज़हब है, और फिर यहूदियों का एक अलग, ज्यूज कहलाते हैं। इस तरह से ये पूरी दुनिया के हो गए। और फिर हम हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदू, जिनके धर्म का असल शब्द जो है सनातन है, हिंदू कौम को ये कहते हैं, हालांकि इनके धर्म का नाम नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग 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 शोबे हैं। जैन ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, सनातन ही नहीं है। सनातन में भी जो है आर्या समाज एक अलग है, वो कुछ किताबों को नहीं मानते, ये कुछ किताबों को नहीं मानते, इनमें फ़र्क है अलग अलग। लेकिन बहरहाल एक तारीख मैं आपको बता रहा हूँ इन अदियान की, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनमें से हर एक का दावा है कि हम इस्लाम से पुराने हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। यहूदी ज्यूज़ ये कहते हैं कि हम तो बहुत पुराने हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से लेकर के याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें बड़े बेटे का नाम यहूदा था, वहाँ से यहूदी हैं, उनकी अपनी एक तारीख है। क्रिश्चियन जो है ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, दुनिया में आज उनकी सबसे ज़्यादा तादाद मानी जाती है, मेजोरिटी है। और उसके अलावा जो सनातनी हैं, आर्या समाज हैं, ये तो तारीख बताते भी नहीं। ये यहूदी तो तारीख बताते हैं कि ईसा अली सलाम से इतने साल पहले के थे। बुद्धिज़्म के जो लोग हैं, बुद्धिस्ट, उनके भी यहाँ तारीख है, गौतम बुद्ध के पैदाइश की तारीख या उनके ज़माने से वो लोग हैं। और जो चाइना में कन्फ्यूशियस थे, उनकी भी एक तारीख है। ये सब की एक तारीख है, लेकिन हिंदुओं के यहाँ सीधे 50 लाख साल पहले की तारीख है। अब वो हमको तो नहीं मालूम 50 लाख साल पहले या 60 लाख साल पहले, बहरहाल। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब का दावा है कि इस्लाम से हम पहले हैं। और इस्लाम को ये लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद पूरी दुनिया में लाया गया। देखें, इस्तेमाल के तौर पर हम ये बात कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यकीनन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया, बल्कि ये हकीकी रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम के खातम हैं, आखिरी रसूल हैं। दीन हुजूर पर आकर कंप्लीट हो गया, लेकिन दीन इस्लाम, इस्लाम का लफ्ज़ कुरान पाक में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, जिनकी तर्जुमानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वा अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँगा। इस्लाम का लफ्ज़ जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, कई नबियों से ही है। तो इस्लाम जो है आदम अलैहिस्सलाम से चला है, अकीदे के अतबार से। अब हम जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये लोग जिसको इस्लाम टारगेट पर रखते हैं, वो हमारा यही दीन है जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट जिसके साथ हुआ है, यकीनन वो हमारे रसूल हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, हमारे आका व मौला, बल्कि कुल कायनात के वो मरजा और महवर हैं। ये सब अकीदा हमारा है। अब सवाल ये होता है कि जब हम ये तारीख बताते हैं तो उनको सवाल करने का पहले ही हक नहीं होना चाहिए, जो ये कहते हैं इस्लाम को ही क्यों फॉलो करें। इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। पहले ही मैंने बता दिया था, छोड़ो सारे झगड़े, सारे झगड़े छोड़ दो, इसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें। मैंने तो तारीख बता दिया, पूरी कायनात का बाप जो सबसे पहले इंसान है वो आदम अलैहिस्सलाम है। आओ हम और आप अपने बाप के दीन पर कायम हो जाते हैं, और वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है, आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम। लेकिन एक बात याद रखना, आदम अलैहिस्सलाम के लॉ, उनकी शरीयत अब नहीं है, उनका अकीदा, उनकी बुनियादें, वो दीन मौजूद है। लेकिन साथ में आदम अलैहिस्सलाम को अगर मानते हो, चलो आकर के इस पर
ये भी मानना होगा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम जन्नत से दुनिया में भेजे गए थे, 300-350 साल रोते रहे अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में, और फिर वो एक दिन आया जब अल्लाह ने कलमा उनको इल्का फरमाया, और फिर उस कलमे के जरिए से आदम अलैहि सलाम की तौबा कबूल हुई। और हदीसों में बाज़ तफासीर में ये फरमाया गया, आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में ये पेश किया था, अर्ज़ किया था कि ऐ मौला, जो तेरा सबसे हबीब नबी है मोहम्मद, उसके वास्ते वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा। रब ताला ने आदम अलैहि सलातो तस्लीम की दुआ कबूल फरमाई थी। तो आज ये भी तस्लीम करो कि आदम अलैहि सलाम के अगर दीन पर होंगे तो उस आदम अलैहि सलाम ने मेरे नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, तो यकीनन वो अकमल व अतम रसूल हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, और उनका दीन ही सच्चा दीन है। अब मैं बताता हूँ दीन इस्लाम की ही पैरवी क्यों करनी चाहिए। सवाल ये, अब मैं इसी बात पर अगर चल पड़ूँ तो पूरी रात गुजर जाए। वजह यह है, मेरा दीन जिस बात का ऐलान करता है उसको इम्प्लीमेंट करके बताता है। दीन इस्लाम में किसी शोशे में कमी नहीं है। अगर कंपेयर करने की बात करेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आपका सवाल है कि दीन इस्लाम की ही क्यों पैरवी करें, क्यों इसी को फॉलो करें, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। दीन इस्लाम को फॉलो करने के लिए इसलिए कि पूरे हयात का अगर निज़ाम तुम्हें चाहिए अपने जीने का, तो सिर्फ इस्लाम ही देता है, सिर्फ इस्लाम देता है। ये मेरा चैलेंज है, जीने का सलीका सिर्फ अगर तुम चाहते हो तो। जीने के सलीके में ये सिर्फ ये नहीं आता चार दीवारी के अंदर जीना, इंसान के जीने के सलीके में उसकी तिजारत भी आती है, उसकी शादी ब्याह भी आते हैं, उसके पड़ोसी भी आते हैं, उसका बाजार भी आता है, उसका बिजनेस भी आता है, हत्ता कि उसका हुकूमत करना, उसका वजीर बनना, सिपाही बनना, ये सारी चीज़ें जीने के हुकूक में आते हैं। और हर शोशे पर इस्लाम तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर अता करता है, एक मसला नहीं पूरा पूरा चैप्टर है। तुम अगर वक्त के बादशाह हो तो भी इस्लाम तुम्हें पाबंद बना करके दिखाएगा। तुम अगर कुर्सी अदालत पर बैठे हो काजी, तो पूरा बाब मौजूद है, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तुम अगर किसी स्कूल के टीचर हो तो इस्लाम तुम्हें उसके भी उसलूब बताएगा। आज मेरे अजीजो, मैं आपको बताऊं, 1400 साल पहले जब लॉ थे ही नहीं, बादशाहों के रूल चलते थे, बादशाहों के कानून चलते थे। जो बादशाह की वो रात में ख्वाब आ गया वो सुबह कानून बन गया। अच्छा भाई, ना पार्लियामेंट में पास कराने की जरूरत थी कुछ, सही बात है, अपना मन भी चलाते कानून, वो कानून। इस्लाम ने सबसे पहले ये दुनिया में कवानीन पेश किए कि नहीं, हुकूमत भी चलेगी तो लॉ के जरिए से चलेगी, और उस लॉ के अंदर वक्त का खलीफा भी दाखिल होगा, वो भी शामिल होगा, कानून उसके ऊपर भी होंगे, किसी एक के ऊपर नहीं है। कई मरतबा ऐसा हुआ है मेरे अजीजों, खुलफाए राशिदीन से अफजल इस उम्मत के सहाबा में से लेकर आखिरी जमाने तक कोई नहीं है। नबियों के बाद खुलफाए राशिदीन सबसे अफजल लोग हैं, लेकिन कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अदालत में हाजिर हुए काजी के सामने, वो खलीफा होते हुए भी खलीफा हो। भाई बहुत अच्छी वीडियो थी, इन्होंने पूरा का पूरा इस्लाम और पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में बताया कि कैसे कैसे लोग अपना अपना वो बताते हैं कि हमारा धर्म इतना पुराना है, इतना पुराना है। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा सब कुछ था। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या कुछ सीखने को मिला, या आपकी पसंद के कोई वीडियो आप चाहते हैं उन पर रिएक्शन आए तो आप लोग जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक लाइक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।